मैं आपको 302R को क्रश प्लेट चेंज करके दिखाऊंगा, जो कि इसका क्रश प्लेट कवर मैं खोलते समय वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, जो कि मैंने भूल गया था, जो कि शाम का वीडियो है, रात का वीडियो है। तो मैंने सोचा कि वीडियो अच्छी तरह से नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि अभी लाइट लाइट जला के ही अभी काम किया जा रहा है, तो कुछ खास वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने खोलते समय वीडियो नहीं कर पाया स्टार्टिंग समय में, तो फिर भी अभी गेट शाफ्ट एंड क्लच प्लेट चेंज करके दिखाएंगे आपको हम लोग, जो कि इसका गेयर शाफ्ट गियर अच्छी तरह से चेंज नहीं हो रहा था, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक गियर चेंज हो रहा था बिना चेंज किए ऑटोमेटिक। ये देख सकते हैं, ये भी खुल रहा है, अभी क्लच प्लेट को तो बाहर निकाला जा चुका है, और जो नीचे का एल्पोम दाती होता है वो निकल रहा है अभी, जो कि हाउजिंग में जो हाउजिंग का बैक साइड होता है उसमें लगा होता है चैन। और ये देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला है वो आयल पम्प का है, अभी निकाला जा चुका है हाउजिंग। और आपको हम लोग गियर शाफ्ट चेंज कर दिखाएंगे, ये देखिए, ये गियर शाफ्ट आपको हम लोग, ये देखिए, लेफ्ट साइड का न्यू है और राइट साइड का पुराना है। और ये देखिए बूस्ट, ये बूस्ट हालना कंपलसरी होता है, ये निकल चुका है पुराना और न्यू फिट किया जाएगा अभी, ये बूस्ट हो चुका है, ये देखिए फिट हो रहा है अभी, आप इजीली फिट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं हाउजिंग सेट के पीछे जो चेन होता है ऑयल पंप का चेन होता है, वो देख सकते हैं, ये हाउजिंग तो फिट हो चुका है, और नीचे का जो ये देख सकते हैं चेन छोटा सा है, तो वो केम चेन का है, सॉरी ऑयल पंप का है, केम चेन का नहीं, वो से कहता है ऑयल पंप का जो नीचे का था छोटा सा पुराना, ये देख अभी फिट हो रहा है अभी नीचे साइड का, जो कि ऑयल पंप का दांत ही लग रहा है वो। देख सकते हैं जिसमें 7 नंबर का बोल्ट होता है वो ऑयल पंप है, देखिए फिट हो रहा है अभी। मोबाइल स्टैंड में है तो थोड़ा अच्छे से दिखा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मैंने सॉरी। और ये काम भी नाइट में हो रहा है, तो कुछ खास अच्छे तरह से नहीं आ रहा है। अभी आपको मैंने सोलो मोशन में दिखा रहा हूँ, ताकि आप अगर भी कोई भी बाइक हो तो आप इजीली फिट कर सकते हैं। ये देखिए चेन तो लग चुका है, अभी उसमें बोल्ट लगाना होता है 7 नंबर का, जो पीछे का होता है, जो मैं आपको बार बार बताऊँ, वो उसको मिस करना नहीं होता है। अगर वो ऑयल पंप दाती फिट नहीं होगा तो मोबिल नहीं चढ़ेगा ऊपर इंजन में, सीज हो जाएगा तुरंत, आपको केयर करना होता है। ऑयल पंप तो लग चुका है और हाउजिंग भी लग चुका है, अभी हम लोग क्लच प्लेट फिट करके दिखाएंगे फुल डिटेल में स्लो मोशन में। ये देखिए ऑयल पंप का बोल्ट टाइट हो चुका है अभी। आपको मैंने स्लो मोशन वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप मैकेनिक है या कोई भी हो इजीली सीख सकते हैं। मैंने खोलते समय तो वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था, तो मैंने सोचा फिट करते समय हल्का सा वीडियो बना देता हूँ, जो कि दूसरों को हेल्प हो। आप याद है इसको मैंने घुमाकर हल्का टाइमिंग में लाया है, अभी मैं दिखाऊंगा इसको टाइमिंग होता है, हल्का सा घुमाया जा रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको टाइमिंग। तो अभी आपको टाइमिंग में रखना होता है इसको, अगर आप इसे टाइमिंग में नहीं रखते हैं तो आपका इंजन में समस्या नहीं, समस्या होती है। आपको ये देख सकते हैं जो ये जो कि दांती है हाउजिंग का जस्ट फ्रंट साइड है,
ये दांती को हमेशा टाइमिंग रखा जाता है। अभी मैं आपको टाइमिंग में दिखाऊंगा रख के। अभी देख सकते हैं हल्का टाइमिंग में घुमाया जा रहा है इसको, ताकि टाइमिंग में आए कह के। अब मैं दिखाऊंगा टाइमिंग में लगाकर, जो कि वहाँ पे पॉइंट होता है, कटा हुआ पॉइंट होता है वहाँ पे। अब ये घुमाया जा रहा है। अगर आप टाइमिंग में नहीं रखते हैं तो आपको इंजन में इंजन में ख़राबी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है इंजन में, अगर टाइमिंग नहीं होगा तो सबसे बेटर होगा कि आपको इंजन में टाइमिंग रखना होता है। ये देख सकते हैं उसमें कटा हुआ पॉइंट होता है, अभी आपको दिखाऊंगा फुल डिटेल में। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये देखिए अभी वीडियो स्लो किया हूँ, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिले फुल डिटेल में। अभी मैं आपको टाइमिंग दिखाऊंगा वहाँ की, जो कि कटिंग पॉइंट होता है। और मैं घुमा रहा हूँ, जो कि घुमा कर आपको मैं दिखाऊंगा टाइमिंग। ये देख सकते हैं जो कि यहाँ पे वाइट है, और जो कि वहाँ पे कटिंग पॉइंट था, आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं होगा, लेकिन जो कि वहाँ पे कटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे, तो आपको उसके मिलाना होता है। तो टाइमिंग तो हो चुका है, अभी इसमें बोल्ट लगाया जाएगा। ये देखिए भाई बोल्ट गिर रहा है, ये देखिए बोल्ट टाइट हो रहा है। अभी बोल्ट टाइट करने के बाद आपने देखा ही होगा, जो कि आयल पंप का, जो कि नीचे का आयल पंप दाते था, वो भी टाइट हो चुका है और हाउसिंग भी फिट हो चुका है। अभी मेल फीमेल और क्लच प्लेट ये देखिए चेक किया जा रहा है एक बार फिर से, आयल पंप दाती का। और इससे ये मेल है जो कि हाउसिंग सेट फिट हो चुका है। अभी ये इसको मेल को फिट करेंगे, जो कि यहाँ पे बोल्ट होता है। अभी बोल्ट टाइट हो रहा है, अभी बोल्ट टाइट करने का आपको मैं दिखाऊंगा। वह बोल्ट तो टाइट हो चुका है। ये देखिए प्रेशर गन से थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है। प्रेशर गन से हल्का सा टाइट करने के बाद उसके बाद चेक किया जाएगा लास्ट में। अभी तो हल्का हल्का टाइट कर दिया गया प्रेशर गन से। प्रेशर गन से ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्लिप हो जाएगा, इसलिए हल्का हल्का। तो अभी ये आपको दाती में पेचकस या दाती पुलर लगाइए, क्योंकि हमारे पास तो कूलर अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने पेचकस से ही टाइट किया है। उधर तो टाइट हो चुका है, और इधर हाउसिंग के, और इसे कूलर पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए कूलर है, ये कूलर को पकड़ के और इसे टाइट करेंगे हम। ये देखिए जो कि टाइट हो चुका है, अभी देखिए टाइट हो रहा है। ये देखिए टाइट हो चुका है, जो कि आपको मैंने दिखाया था, जो कि गन से मैंने हल्का हल्का टाइट किया था। आप इसे ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्लिप हो जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हल्का हल्का टाइट करना है गन से, नहीं तो हाथ से ही टाइट किए, रेंजी से टाइट कीजिए। ये देख सकते हैं ये क्लच प्लेट है, और ये प्रेशर प्लेट। आपको प्रेशर प्लेट वहीं पर दिखाई देगा, जो कि स्मूथ वाला अंदर होता है, और जो खरा होता है थोड़ा थोड़ा उसमें घिसने के तो होते, तो वो बाहर साइड होती है। तो स्मूथ वाला अंदर और थोड़ा सा उठा होता है तो वो बाहर होता है। आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हूँ, बहुत से वीडियो में क्लच प्लेट किस तरह से फिट किया था करके, और प्रेशर प्लेट। तो ये देख सकते हैं, ये तो हो चुका है, क्लच प्लेट हो चुका है एंड प्रेशर प्लेट। अभी लाइन बाय लाइन फिट हो रहा है अभी। उसके बाद जो कि इसमें मास्टर प्लेट भी होता है, आपको केयर करता है, जो कि मास्टर प्लेट सबसे शुरू में होता है, स्टार्टिंग में होता है, जो कि मास्टर प्लेट ब्लैक होता है और हाफ होता है, जो कि क्लच प्लेट फुल होता है। जो क्लच प्लेट का हाफ होता है वो मास्टर प्लेट होता है, जो कि सबसे एंडिंग में लगा होता है।
सबसे स्टार्टिंग में, और सबसे स्टार्टिंग में लगा होता है जो कि मास्टर प्लेट कहा जाता है उसे, और छोटा सा पतला सा होता है वो मास्टर मास्टर प्लेट। अभी देख सकते हैं ये तो फिट हो चुका है, अभी आपको दिखा रहा हूँ ये जो कि टाइमिंग में था। ये देखिए आपको मैं दिखाऊंगा जो कि वहाँ पे जो कि कटिंग है और वहाँ पे हल्का सा पॉइंट बुंदा होता है उसमें टाइमिंग मिला के रखना होता है। आपको मैंने दिखाया जो कि वहाँ पे कटिंग था हल्का सा पॉइंट, तो इसका भी टाइमिंग होता है क्लच प्लेट का, जो कि फीमेल जो कि हाला जा फिट किया जाता है उसका भी टाइमिंग होता है, इसका क्लच प्लेट का भी टाइमिंग होता है। तो आपको क्लच प्लेट को भी टाइमिंग देख के ही फिट कीजिए। आपने दिखाई होगा जो कि मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा वहाँ पे कटिंग पॉइंट और उसके अंदर गोल गोल सा टिक होता है अंदर साइड, तो अंदर साइड गोल टिक और बाहर साइड का ये एरो दिखाया उसी को मिला के मैच करके फिट किया जाता है। अगर आप कहीं खोलेंगे कभी खोल तो आप उसे देख सकते हैं इजीली। ये देखिए भी टाइट हो रहा है, जब तक बोले आप फिजिकल नहीं करेंगे तो आपको ऐसे कहने से नहीं होगा, लेकिन आपको फिजिकल ही करना होगा। तो अभी आपको मैंने दिखाया था जो कि कटिंग पॉइंट बाहर था और एक कटिंग बूंदा जो कि अंदर था, तो उसको मिलाकर ये फिट किया जाता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये राउंड राउंड घूमेगा जो कि नहीं बैठेगा। तो ये अभी फिट हो चुका है, ये फिट मतलब कि मिल चुका है और ये टाइट हो रहा है 10 नंबर का बोल्ट जो कि इसका 10 नंबर का 4 बोल्ट होता है। और इसके बाद टाइट करने के बाद आपको मैं फुल डिटेल में, मैंने वीडियो इसलिए स्लो रखा है क्योंकि कोई भी अगर देखे ना इस वीडियो को तो इसलिए बना सकता है बाइक को, तो मैंने सोचा कि स्लो मोशन में वीडियो बनाऊं। अभी देख सकते हैं स्लो मोशन वीडियो है अभी। अभी ये 10 नंबर का बोल्ट तो टाइट हो चुका है और सभी बोल्ट टाइट हो चुका है। अभी क्लच कवर देखते हैं, क्लच कवर को फिट, ये देखिए क्लच कवर भी फिट हो रहा है अभी जो कि हमने सब कुछ फिट कर चुके हैं, तो अभी क्लच कवर फिट करेंगे। क्लच कवर को भी मिलाना पड़ता है, आपको टाइमिंग भी देखना होता है, क्लच प्लेट यूं ही नहीं जाएगा। अब क्लच प्लेट को क्या होता है कि आपको अंदर साइड देखना होता है जो कि जो दाती होता है ना जो क्लच का वो छोटा सा, तो उसको मिलाकर फिट करना होता है। अगर आप उस दांते को नहीं मिलाएंगे तो नहीं फिट होगा। तो अभी तो फिट हो चुका है बोल्ट, अभी बोल्ट फिट करेंगे। क्लच कवर तो फिट हो चुका है, अभी हम बोल्ट फिट करेंगे जो कि 8 नंबर का बोल्ट, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मैंने वीडियो स्लो कर दिया है ताकि आपको लगे कि हाँ फेक नहीं है। अभी ये देखिए बोल्ट लेकर आ चुका है अभी, तो ये देखिए बोल्ट अभी फिट हो रहा है अभी। अभी फिट करने के बाद उसके बाद टाइट किया जाएगा। मैंने सोचा कि स्लो मोशन में वीडियो बनाया जाए ताकि देखे तो कहे कि हाँ इस तरह से एक एक करके लाइन बाय लाइन इस तरह से काम किया जाता है करके, तो इजीली कर सकते हैं। अगर मैं वीडियो फास्ट कर देता, अगर बाय चांस कोई फिट करना नहीं सकता तो स्टार्टिंग तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैंने दिखाया क्लच प्लेट किस तरह से फिट किया जाता है और साथ ही साथ गियर शाफ्ट, और गियर शाफ्ट फिट करने के बाद उसके बाद आपको मैं टाइमिंग भी दिखाया जो कि क्लच प्लेट का जो कि किस तरह से टाइमिंग होता है। तो अभी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से फिट किया गया है बोल्ट और क्लच प्लेट। अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कवर फिट करने के बाद उसके बाद बोल्ट किस तरह स्टार्ट किया जाता है करके। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि मैंने स्लो वीडियो आजकल बनाना शुरू कर दिया है, अगर आप चाहते तो भगा के भी देख सकते हैं इसे। ये नहीं है कि स्लो मोशन में वीडियो है तो आप इसे ही स्लो मोशन धीरे धीरे देखें,
आप इसे भगाकर भी देख सकते हैं वीडियो, जो कि 8 नंबर का बोल्ट टाइट हो रहा है अभी। ये बोल्ट टाइट करने के बाद उसके बाद अभी ब्रेक भी देखना है, जो कि ब्रेक भी नहीं लग रहा है इसे। अभी ये बोल्ट टाइट हो रहा है 8 नंबर का। मुझे लगता है हल्का सा फास्ट कर देना चाहिए, वीडियो बहुत ही स्लो हो गया है। अगर आप चाहते हैं कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम वीडियो देखता है लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करता सब, तो वही अच्छा नहीं लगता है। वीडियो कम से कम देखा करो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट, बस लगे कि मेरा भी वीडियो कोई देख रहा है। अभी बोल्ट टाइट हो रहा है अभी। अभी टाइट करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा फुल डिटेल में, इसका साउंड में भी दिखाऊंगा, इस एंडिंग पॉइंट में इसका साउंड किस कैसा है करके। आपको चेक करना होता है, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार चेक कीजिए, जो कि बोल्ट का किस तरह से टाइट हो रहा है करके। आप बोल्ट को फुल ही टाइट करें, अगर आप फुली टाइट नहीं करेंगे तो मोबिल लीकेज होने की संभावना होती है, तो आपको फुल टाइट करना होता है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ, जो कि सभी बोल्ट चेक कर रहा हूँ, जो कि अभी बोल्ट तो टाइट हो चुका है लेकिन फिर भी दोबारा चेक किया जा रहा है। 5 मिनट का बस काम है, दोबारा चेक करना चाहिए। अगर हल्का सा भी ढीला होता है तो मोबिल लीकेज होने की संभावना होती है, तो 5 मिनट के चक्कर में आप अपना काम को ख़राब मत कीजिएगा। अगर आप एक बार टाइट कर चुके हैं तो एक बार चेक करने में क्या जाता है, 2-3 मिनट का तो काम है। तो आपको मैंने, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप सभी टाइट कर चुके हैं तो एंडिंग पॉइंट में एक बार सभी बोल्ट चेक करें, ताकि कोई भी बोल्ट बाई चांस छूटा हो तो वह भी टाइट हो जाएगा, और हल्का भी ढीला हो तो वह भी टाइट हो जाएगा। नहीं तो इसमें लीकेज होगा तो कस्टमर अलग बहुत सुनाएगा और आपको भी कैसा फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा, इसलिए दोबारा चेक कर दीजिए तो बेटर होगा। तो हम लोगों ने दोबारा चेक कर चुके हैं, अभी चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद आपको मैं, ये बोल्ट तो टाइट हो चुका है सभी, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एबीएस प्लेट है, ये बोल्ट तो टाइट हो चुका है। अभी 5 नंबर के लिंक की बोल्ट, जो कि क्लच वायर का जो कि वहाँ पे लॉक होता है, उसको भी टाइट किया जाएगा। अभी मुझे लगता था वीडियो काट देना चाहिए था यार, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप चाहते तो इसे वीडियो बना कभी देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, तो अभी मैं तो अभी न्यू हूँ, मुझे तो अभी कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है कि किस तरह से वीडियो बनाया जाता है क्या क्या। तो मैंने आप लोगों से बहुत बार मैंने एडवाइस मांगा है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एडवाइस दे सकते हैं कि इस तरह से करो भाई, इस तरह से करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, आप कह सकते हैं ऐसे करोगे तो अच्छा वीडियो होगा, इस तरह से करोगे तो अच्छा वीडियो होगा। ये देखिए, दोबारा तीन बार चेक हो रहा है बोल्ट।
लीकेज होगा तो कस्टमर जो कि बुटोल का कस्टमर है, तो बुटोल आई मीन समथिंग जिस जगह से हम लोग काम करता है तो उस समय उस जगह से समथिंग 200 किलोमीटर दूर है, तो कस्टमर अगर बना कर जाएगा तो कस्टमर अगर मोबाइल लीकेज होगा तो जाहिर सी बात है गुस्सा करेगा। ये देख सकते हैं ये क्लच वायर का ये लॉक है, ये क्लच वायर का लॉक अभी टाइट किया जाएगा। अभी देख सकते हैं ये मास्ट केले पर निकला हुआ है बाहर, अभी इसे ब्रेक भी बनाना है। अभी देख सकते हैं ये ब्रेक क्लच अभी इसे भी लगाना पड़ेगा, क्लच वायर को लॉक है। देखिए ये क्लच एडजस्टर है ये, तो इसे फिट किया जाएगा अभी, इसे फिट करके 5 किलो की बोल्ट टाइट किया जाएगा अभी, जो कि नोज प्लास से हल्का सा इस तरह से राउंड घुमा के राइट साइड घुमा के घुमा के और इसको हल्का सा ठोक दिया जाएगा ताकि अच्छी तरह से हो जाएगा के। और इसके साथ इसका 5 किलो की बोल्ट होता है तो वो 5 किलो की बोल्ट टाइट हो जाएगा अभी उसमें लगाकर। और ये बोल्ट टाइट हो गया 5 नंबर का, जो कि नाइट में काम हुआ है तो नेट में कुछ खास दिख नहीं रहा है। ये देखिए 5 नंबर की बोल्ट है, ये तो टाइट हो चुका है अभी, अभी उस साइड गियर लीवर भी लगाना बाकी है अभी। ये क्लच भुंडी हो चुका है, क्लच लॉक तो लग चुका है, अभी चेक करेंगे क्लच। ये देखिए जो कि गियर लीवर बाहर निकला हुआ है अभी, तो मैं हम लोगों ने गियर शाफ्ट न्यू फिट किया है, तो अभी ये देखिए अभी ये टाइट करेंगे गियर लीवर को, जो कि गियर शाफ्ट तो फिट हो चुका है अंदर का, अभी गियर लीवर फिट करेंगे। देखिए ये गियर लीवर लग रहा है अभी, और यहाँ भी बोल्ट होता है 5 नंबर का बोल्ट होता है। देखिए आपको चेक करना होता है कितना प्ले चाहिए कितना प्ले नहीं चाहिए कह के, आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, तो हम चेक कर चुके हैं जो कि ठीक है। अभी इसे हम लोग टाइट कर देंगे। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अभी हम लोग इसे टाइट कर देंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप पुराने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो देखते हैं मेरे। ये देखिए टाइट हो रहा है अभी, और फुल टाइट करने के बाद इसको चेक किया जाएगा एंडिंग में। आपको मैं फुल डिटेल में वीडियो बना के दिखा दूंगा, और इसको मैं एंडिंग में साउंड भी ज्वाइन कर दूंगा, इसका साउंड कैसा आएगा क्या। कंट्रोल त्यही गर्छ कि अझै यता फिट गर्न बाँकी नै छ कि यो कभर लगाउ कभर लगा दिन्छ कि कभर मोबिल हालेर के गरेर कभर लगाइसकेपछि मोबाइल हाल्दै मिल्छ होइन माथि होला मिलत हुन्छ यहीँ साइडबाट हुन्छ स्पेस त्यति त्यो कभर हो एउटाको 6500 2500 6000 8000 पर्छ कभर त्यति त भयो कभर भयो त्यो सब रेन्जहरू है ल